हेलो एवरीवन, आपको नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैया रानी आपको बहुत बहुत खुश रखे। तो मैं शाम से ही वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया। तो यहाँ आलू मैंने छील लिए हैं, देख सकते हो, मिर्ची काट ली है। इसके मैं कूटू के आटा के बना रही हूँ पकौड़ी शाम के लिए। और बच्ची दूध पीती है तो थोड़ा तो खाना पड़ता, पूरे दिन नहीं खाती हूँ, शाम को थोड़ा सा खा लेती हूँ। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा आटा लिया, 8-9 ही इसमें बनेंगे। तो मैंने बोला आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कूटू के आटा की पकौड़ी और आलू की। और कमेंट करके बताइएगा कौन कौन ऐसे बनाता है। तो इन्हें मैं फोड़ लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ और बहुत ही टेस्टी बनते हैं और जल्दी से बन जाते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से बना लिया। और देखिए हरी मिर्ची दिख रही है, कोई वो नहीं है क्योंकि अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी, कढ़ाई में डाला है मैंने रिफाइंड सरसों का तेल। यूज़ नहीं करते हैं रिफाइंड या घी यूज करते हैं हमारे यहाँ, आप लोगों के यहाँ नहीं पता। और ऐसे कर करके ये पकौड़ियाँ इसमें छोड़ देंगे, ये देखिए ऐसे करके पकौड़ियाँ छोड़ देंगे। और आप लोग भी नहीं बनाते हैं तो आप लोग व्रत की ये चीज़ बनाइए, ज़रूर बनाइए और एक बार ट्राई कीजिए ज़रूर। और ये मैं ऐसे सारे इसमें डाल दूँगा। आई हो मुझे पता है शायद आप लोग भी ये बनाते होंगे, अगर नहीं बनाते हो फर्स्ट टाइम देखा तो आप लोग देख लीजिए और प्लीज़ इसे बनाइए। और पीछे से आप वॉल्यूम आ रहा हो तो मैं हर वीडियो में बनाती हूँ, मेरा कमरा रोड के पास है तो गाड़ियों की आवाज़ तो आएगी आएगी, तो इसलिए। तो ये इसमें मैं पकौड़ी सारी डाल देती हूँ, ये देखिए। और मैंने कैमरा दूर रख दिया है और ये देखिए मैं यहाँ पकौड़ी तल रही हूँ। शाम का समय तो थोड़ा अंधेरा हो सकता है, तो ये देखिए पकौड़ियाँ मेरी ऑलमोस्ट सिकने आ गई हैं। तो मैंने कमरा दूर रख दिया और साथ के साथ सिल्क भी साफ़ करती जा रही हूँ, सामान भी समेटती जा रही हूँ। और मैंने कल मेरा वीडियो नहीं गया था तो और भी ज़्यादा मैंने बोला सही नहीं है। तो यहाँ पे मैं पकौड़ियाँ निकालूँ और आप लोगों को जूम करके भी मैं दिखा दूँगी पास से कि पकौड़ियाँ कैसी बनी है। चलिए आप लोग देख लीजिए पकौड़ियाँ मेरी कैसी लग रही हैं बनने के बाद, सीखने के बाद निकालूँगी फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, तो आप लोग लाइक करना बहुत जल्दी बहुत भूल जाते हैं। एक लाइक आपका हमें बहुत मोटिवेशन करता है। तो मैंने आपको पकौड़ियाँ दिखाई ना दूर से, तो और वैसी सारी डाल दूँगी और पास से भी दिखाऊँगी, टेंशन मत लीजिए, पास से दिखाऊँगी कैसी बनती हैं। इसे दही से खा सकते, किसी से भी, चाय से। मैं तो चाय या दही से ही खाती हूँ, आप लोगों की मर्ज़ी जिससे खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सारी ये सेक लूँगी और रात से ही वीडियो स्टार्ट कर दिया तो थोड़ा सा अंधेरा होगा, तो डोंट माइंड। और ये मैं ऐसी पकौड़ी सेक लेती हूँ और देख एक ही टाइम बनाती हूँ, दोनों टाइम नहीं बनाती हूँ, नहीं व्रत का कोई मतलब नहीं रह जाता हर टाइम कुछ ना कुछ खाते रहो मेरे ख्याल से, औरों की मुझे नहीं पता, मुझे खुद की पता है। तो ये देखिए मेरी पकौड़ी बन गई है और ये देखिए ऐसे करके मैं सारी सेक लूँगी और इतना सा बचा है। और पकौड़ी मैं तोड़ के दिखा देती हूँ आप लोग कितनी अच्छी बनी, ये देखिए वो प्लेट पर चौंध जा रहा है इसका, पकौड़ी गर्म है इसलिए, ये देखिए। तो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं, आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है तो भी कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी इसलिए। और आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, मैया रानी आप लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी करें। और मैं जा रही हूँ पूजा करने, नहा के बस पूजा करने, मैंने बोला चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ। और ये देखिए ये मैं उपला है जिसे मतलब इसको अच्छे से क्या कहते हैं, इसको अच्छे से वैसे कर रही हूँ जो छोटा सा हवन हो सके। हमारे यहाँ 9 दिन तक जो व्रत रहते हैं वो ऐसे ही अग्यारी लगाते हैं, हम लोग अग्यारी बोलते हैं, छोटा सा आप लोग हवन बोल सकते हैं, तो उसी का। तो मैंने बोला चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कैसे पूजा कर रही हूँ कैसे नहीं कर रही हूँ, और ये हो जाए फिर उसके बाद। और मैंने ये वीडियो शाम से ही बनाना स्टार्ट कर दी, वीडियो में थोड़ा सा अंधेरा होगा क्योंकि लाइट की दिक्कत है, मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है। देखा मौसम कितना अच्छा, बारिश हो रही है, सर्दियों जैसा लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। चलिए बातें करती हूँ ख़त्म। मैया रानी आप लोगों को बहुत सारी, आप लोग जो चाहें वो आपकी इच्छाएँ पूरी हो, आप लोग बहुत ज़्यादा खुश रहें। तो चलिए पूजा की तैयारी कर लेते हैं, मैं पूजा करती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। और चलिए ये देखिए मेरी ऑलमोस्ट हो चुका है, ये तैयार है और सारा सामान मैंने रेडी रखा है। तो चलिए हम लोग पूजा करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, में हैप्पी नवरात्रि।
तो आप लोगों से बातें हो गई, आप लोग मेरा मंदिर देख लीजिए, ये मैं अखंड जोत जराने की कोशिश की हूँ फिर मैया के ऊपर, और ये मैंने पन्नी में ही जौ बो दी है। अगर मेरी श्रद्धा होगी तो ये जौ पन्नी में ही उग जाएंगे, और मेरे हर बार पन्नी में जौ उग जाते हैं। तो मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, बस बारूद डाली और उसमें जौ डाल दिए है, और ये देखिए मेरी जोत, और मैंने पास से दिखा दिया आपको मेरा मंदिर, और नीचे बैठ के मैं पूजा करती हूँ, ऊपर नहीं हो पाती है। छोटी सी दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो में अगर पूजा दिखाऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, और पूजा मतलब काफ़ी टाइम में होती है। तो ये देखिए थोड़ा बहुत ही मैं आपको सूट करके दिखा रही हूँ। हमारे यहाँ ऐसे लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं, क्योंकि मैं सुहागन हूँ तो मैं जोड़ा ऐसे ही चढ़ाती हूँ। ये देखिए मेरी हवन मैया रानी कितनी इच्छा पूरी कर छोटी।